नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग पीडिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं स्टेयरकेस के अंदर चाहे रैम के अंदर, तो मिनिमम स्लोप हम कितना दे सकते हैं और मैक्सिमम स्लोप हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो आइडियली जनरली हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं वो स्लोप कितना होनी चाहिए, तो कितना हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रैंप के अंदर मैक्सिमम स्लोप कितना देंगे और मिनिमम स्लोप कितना देंगे, और जनरली हम कितना स्लोप प्रोवाइड करते हैं रैंप के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेयर केस के अंदर। तो स्टेयर केस में जनरली क्या होता है कि जो मिनिमम स्लोप हम जो देते हैं, यानी कि अगर हॉरिजेंटल से एंगल लेंगे तो मिनिमम स्लोप होनी चाहिए फ्रॉम हॉरिजेंटल, वो आपका 26 डिग्री होनी चाहिए। 26 डिग्री से नीचे का आप एंगल प्रोवाइड नहीं करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो आपका किसी भी फ्लाइट का हॉरिजेंटल एंगल कितना आप दे सकते हैं, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं, तो हॉरिजेंटल से कितना मिनिमम एंगल कितना प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी फ्लाइट का स्टेयरकेस के लिए, वो 26 डिग्री। मैक्सिमम स्लोप फ्रॉम हॉरिजेंटल, मैक्सिमम स्लोप आप कितना जा सकते हैं वो आपका 45 डिग्री। जनरली क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली हम बात करें, नॉर्मली हम कितना प्रोवाइड करते हैं स्लोप, वो 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। ठीक है फ्रेंड्स, और हम जो फर्स्ट फ्लाइट होती है, फर्स्ट फ्लाइट की मैक्सिमम हाइट हम कितना दे सकते हैं, 2.4 मीटर। ये भी चीज़ आप ध्यान रख लिए, एकदम ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंप के ऊपर। तो अगर हम विड्थ की बात करें रैंप और स्टेयर केस की, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, रैंप की विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्टेयर केस की विड्थ कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो अब हम बात करते हैं रैंप की स्लोप के ऊपर। तो अगर हम मैक्सिमम स्लोप अगर हम बात करें रैंप की, तो वो 1:5 यानी कि 12.6 डिग्री होनी चाहिए मैक्सिमम स्लोप। देखिए 1:5 क्या होता है, 1:5 का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आप 1 वर्टिकल 5 हॉरिजेंटल, यानी कि अगर 5 मीटर हॉरिजेंटल जा रहे हैं तो आपको 1 मीटर वर्टिकल जाना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और ऐसे भी जान सकते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल का मतलब हुआ रन और वर्टिकल का मतलब हुआ राइज। अगर 5 मीटर हॉरिजेंटल जा रहे हैं, यानी कि रन 5 मीटर हॉरिजेंटल जा रहे हैं, तो 1 मीटर आपको वर्टिकल जाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये आपका यूनिट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितना उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इतना ही समझना है कि 1:5 का मतलब होता है स्लोप, और अगर हम 5 मीटर हॉरिजेंटल जा रहे हैं तो 1 मीटर हमको वर्टिकल जाना होगा। अगर हम इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 12.6 डिग्री मैक्सिमम स्लोप होनी चाहिए रैंप का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम स्लोप आप कितना दे सकते हैं। तो मिनिमम स्लोप 4.2 डिग्री दे सकते हैं, यानी कि 1:15 जो कि मिनिमम स्लोप रैंप में आप दे सकते हैं। तो जनरली रैंप में कितना स्लोप दिया जाता है, तो रैंप में जनरली जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, आइडियली अगर हम बात करें जहाँ पे एक कम्फर्टेबल स्लोप आप प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा 1:10 यानी कि 6 डिग्री स्लोप आप दे सकते हैं। ठीक है, इतना आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।